मुक्तिधाम से अस्थियां गायब करने के आरोप और जाति सूचक गालियां देने के मामले को लेकर भांडेर नगर परिषद कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन के दौरान जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी वीरू वाल्मीकि ने बताया कि मोनू मिश्रा की माता की अस्थियां लहार रोड पर स्थित मुक्तिधाम से गायब हो गई थी, जिसका आरोप हम लोगों पर लगाया गया था, जिसकी कार्यवाही को लेकर हमने भांडेर एसडीएम और एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम लोग सब लोग। ये हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही और हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उसमें लिखा था कि कार्रवाई हो विपक्ष की ओर, जो लोग उन्होंने हम लोगों पर झूठा इल्जाम लगाया है, चाहती है गालियाँ दी हमारे भाई को, रानू को, रवि को, इसलिए हम लोग इसलिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।